नमस्कार दोस्तों, अभी हूँ मैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर। जैसलमेर का एक गांव है सेव कतला, उसके अंदर। तो आज मैं आपको एक ऐसा गांव दिखाऊंगा, बिल्कुल थोड़े से घर और गांव है, वो लगभग खाली सा गांव है। और गांव देखना आप किस प्रकार से, भाई अलग सा ही है। ये जो हमसे हैं लगभग अभी भी 50-60 साल बैक, यानी यहाँ का एरिया है वो हमारे से लगभग 50-60 साल बैक है भाई, क्योंकि अभी तक इनको उतनी सुविधा नहीं मिल रही है जितनी हमको मिल रही है। तो भाई इनका जीवन है वो बहुत कठिनाई भरा जीवन है, पानी की कठिनाई, लाइट की कठिनाई, हर चीज़ की इनके पास कठिनाई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनके पास हर एक सुविधा पहुँचना। अभी मैं आपको थोड़ा सा गांव विजिट करवाता हूँ, और जो यहाँ के लोग हैं, कुछ घर है जो रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि पशुपालन होता है सबसे ज़्यादा, तो लोग यहाँ पर पशुपालन करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। और जैसे ये क्या करते हैं कि बरसात का टाइम आ गया तो ये आगे बढ़ गए, और जब बरसात नहीं है, अब का मौसम चल रहा है, तो ये पीछे हट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। जहाँ पर कुएं होते हैं ना, वहाँ पर जाकर ये रहने लग जाते हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है यहाँ पर। क्योंकि इनके जो ये पशु है, इनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो पानी यहाँ पर है नहीं, हर जगह पानी नहीं है भाई। ये है लगभग जैसलमेर से, जैसलमेर जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है उससे लगभग ये कोई 10 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर है भाई। ये गांव है और इनका जो जीवन है वो भाई बहुत ही कठिनाई भरा जीवन है। तो मैं आपको जो इनके घर है वो दिखाता हूँ, और सारे के सारे मकान है वो लगभग कच्चे मकान हैं। तो भाई अब यहाँ पर फिलहाल जो है वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, जब ये रहते हैं तो इन मकानों का रूप भी वो अलग रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो है गारे वाला, जो गोबर के लेप से बनाते हैं ना, वो सिस्टम है। कुछ ने अपना पक्का भी कर रखा, और कुछ यहाँ पर है झोंपे टाइप, जैसे झोंपड़ी होती है ना, ये इनको यहाँ पे झोंपा बोलते हैं, उस टाइप मकान भी है। तो चलो मैं आपको पूरा गांव है वो विजिट करवाता हूँ, और दिखाता हूँ कितना बड़ा गांव है। एरिया तो काफ़ी है गांव का, बट यहाँ पर घर है वो दिखाता हूँ मैं आपको कितने का। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई दोस्तों यहीं से करता हूँ मैं शुरुआत, वहाँ से रोड गुजर रही है, मेन रोड है वो गुजर रही है, वो देखिए। उससे जस्ट थोड़ा दूर वहाँ पे सामने आप देख रहे हो, वहाँ पे है कुआं, वहाँ पर कुआं है पानी निकालने के लिए, और पानी है वो ऊँटों द्वारा निकाला जाता है वहाँ पर। और उसके बाद में जस्ट आगे आते हैं हम, तो ये देखिए भाई, ये इनका गांव है और मकान है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लकड़ी वगैरह पड़ी होगी, बस नहीं, ये लकड़ी वगैरह नहीं है भाई, ये मकान है, एक कमरा है इनका, यहाँ का कमरा है भाई। तो चलो कमरा है वो इनका दिखाता हूँ मैं किस प्रकार से है। ये रहता है भाई इनका, ये इनका कमरा है एक, ये देखिए इस प्रकार से है। ये ऊंट वाला वो पिलान बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, हमारी भाषा में हर जगह अलग अलग सिस्टम रहता है, पता नहीं कहीं पे क्या बोलते हैं, कहीं पे क्या बोलते हैं। तो ये रहने का भी है, और इनके जानवरों को जो बच्चे होते हैं और होते हैं, तो उनको रखने के लिए भी है ये। और ये देखो भाई किस प्रकार से है, ये देखिए भाई किस प्रकार से है। और अभी चलते हैं आगे की तरफ, और भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, एक ये भी है छोटा, ये जानवरों के लिए है। और बाकी एक चीज़ है यार, चलो मैं थोड़ा अंदर चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई दोस्तों अभी मैं इसके अंदर बैठा हूँ, और आज क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर मैं बैठा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बाहर इतनी धूप है, इतनी ठंड है पूछो मत आप, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है यहाँ का, इसके अंदर का, बाहर का नहीं। बाहर का तो भाई बहुत ज़्यादा तापमान है आज, हमारी साइड तो सर्दी काफ़ी है। यहाँ पर देख लो हम टी शर्ट में घूम रहे हैं, टी शर्ट में, शर्ट भी नहीं पहन रखी है क्योंकि इतनी गर्मी है, टी शर्ट में घूम रहे हैं, और ये काफ़ी ठंडा है भाई। और आगे चलते हैं, आगे के जो घर है वो भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक जो सरकारी थोड़ी सी सुविधा दी गई थी, सुविधा वो ये थी कि यहाँ पर सोलर प्लांट लगाया गया था, सोलर का मोटर सिस्टम वो लगाया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लगा कर चले गई, और
गांव वाले क्या करते हैं कि वो मैंने आपको पहले बताया था ना कि सर्दी गर्मी होती है तभी आगे कभी आगे बढ़ जाते हैं कभी पीछे चले जाते हैं। गाँवों का स्थिर नहीं रखते ये, अपने घर है वो स्थिर नहीं रखते, जैसा मौसम होता है उसी प्रकार से ये चले जाते हैं, क्योंकि पानी की किल्लत रहती है तब तो ये कुएं के पास रहते हैं, और जब बरसाती टाइम होता है तो ये अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। तो क्या हुआ कि ये यहाँ से पीछे गए हुए थे, तो यहाँ पे प्लांट लगाया गया था, तो रात को भाई चोर आए और चोरी करके ले गए इनका। तो अभी इनको तो फिर वही मुश्किल झेलनी पड़ेगी भाई, क्योंकि पानी के लिए लगाया था, निकालने के लिए मोटर सिस्टम था, तो अभी उनकी मोटर है वो चल तो रही है बट उतना पानी नहीं आ रहा है। ये भी देखो यार, वो कहते हैं ना कंगाली में अट्टा गीला, वो इसे कहते हैं। मर तर के तो इनके पास वो सुविधा आई थी मोटर की, और वो भी कोई चोर है और लेकर चला गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी मिलवाएंगे, बात करवाएंगे कि उनका जीवन कैसा है, कितनी कठिनाई है। बाकी हमें तो देख रही ही लग रहा है भाई, इतनी बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलते हैं ये लोग। तो बाकी आगे चलते हैं, और इनके जो मकान हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, और उसके बाद में जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनसे बात करेंगे। वो उस साइड बैठे हैं जहाँ पर मोटर लगी हुई है, जो मैं बता रहा हूँ ना चोरी हो गया था, वो आपको दिखाएंगे, उस साइड है सामने, और वो भी दिखाऊंगा कि कितने प्लेटें चोरी हो गई, कितने छोड़ के चले गए, और उनसे बात भी करेंगे कि क्या सिस्टम हुआ था, क्या सीन हुआ था। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और आगे के मकान दिखाता हूँ मैं आपको, तो चलो चलते हैं। तो भाई दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक मकान, पूरा मकान है ये, पूरी फैमिली रहती है इसके अंदर। तो बाहर से शुरुआत करता हूँ मैं, बाहर एक अलग ही चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। ये देखो भाई यहाँ का इनके रोटी बनाने का चूल्हा देखिए भाई किस प्रकार से है, जो गर्मियों के अंदर या सर्दियों के अंदर बाहर जो हम खाना बनाते हैं वो देखिए भाई, इन्होंने एक जुगाड़ लगा रखा है, ये पता नहीं पूछना पड़ेगा किस प्रकार से हैं। नीचे ये चूल्हा हो गया इनका, और ऊपर ये देखिए ये हो गया। मैंने दूर से देखा तो ऐसे देखते हैं ना, तो हमारी साइड में वो तंदूर होता है ना, उसी टाइप से ये लग रहा था। ये देखो तो ये है, शायद ऊपर पानी गर्म हो जाएगा, नीचे खाना वगैरह जो कुछ बनाना है वो बन जाएगा, इस प्रकार से हैं। और अभी चलते हैं इस मकान के अंदर हम, और अंदर से हैं मकान दिखाते हैं कितने रूम हैं इसमें, शायद एक ही रूम होना चाहिए यार, पूरी फैमिली चार चार बंदे पांच पांच बंदे रहते हैं और एक ही रूम। ये भाई इनका किचन है, रसोई है, ये देखो ये यहाँ पे दो चूल्हे हैं, और ये वही सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है ऊपर वाला जो मैंने बताया था आपको, ये देखिए ऊपर वाला वही सिस्टम सेम यहाँ पे बना हुआ है। और ये इनकी अलमारी वगैरह हो गई सामान रखने के लिए, और छत है वो कच्ची छत है भाई, लकड़ी की छत है, ये देखो ये पूरा का पूरा लकड़ी का छत है, ये देखिए ऊपर से। और एक ये रूम है, तो अभी तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे परिवार वगैरह नहीं रहता है, ये देखिए भाई अंदर से कुछ इस प्रकार से। ये तो फिर भी कुछ न कुछ है ना हद तक, ये पक्का है, बाकी आगे है जो रूम्स हैं कुछ और है वो बिल्कुल ही कच्ची है, ये देखिए इस प्रकार से है ये। और अभी चलते हैं आगे, और भी मकान है वो आपको दिखाएंगे, विजिट करवाएंगे भाई। तो अभी मैं इसको है थोड़ा दोबारा लॉक लगा देता हूँ, जैसे इन्होंने पहले किया हुआ था ना उसी प्रकार से हम कर देते हैं। ये हो गया भाई, और इसके पास में इन्होंने एक ये झोंपड़ा सिस्टम बना रखा है, और इधर इनके नाने वगैरह का वो सिस्टम बना रखा है नाने के लिए। और आगे काफ़ी मकान और भी है, वो देख रहे हो आगे की तरफ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो जैसे बकरी हो गई और भेड़ हो गई, गाय हो गई, इनका पालन होता है। गाय से ज़्यादा यहाँ पे भेड़ बकरियों का जो है वो पशुपालन है वो करते हैं ये। ये देखिए भाई ये पशुओं के लिए है, वो ये इन्होंने यहाँ पे एक शेड सा बना रखा है भाई, ये देखो छाँव के लिए, ये पता नहीं इसके ऊपर सोते हैं ये क्या है। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये एक ऊंट गाड़ा, काफ़ी साल पुराना है भाई, ये देखो ऐसे कैसे खड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं रहता और इसको कोई नहीं लाएगा भाई, ये देखो इस प्रकार से पूरा का पूरा, ये देखो भाई गाड़ा। और ये देखो भाई ये मकान है, ये तो फिर भी कुछ हद तक पक्का है, पर जो आगे का है उसके अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, बाकी बाहर से आपको दिखाते हैं। देखो भाई ये पूरा का पूरा कच्चा है, सामने मंदिर भी बना हुआ है, ये देखो
आपको दिखा देता हूँ, ये है असली जीवन। तो भाई इसमें कच्चे भी हैं, पक्के भी हैं, और लोग है भी। तो अंदर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोई है नहीं, इजाज़त के बगैर हम अंदर नहीं जाएंगे। ये देखो भाई, इस प्रकार से मकान होता है, पूरी की पूरी फैमिली रहती है, चाहे उसमें 10 बंदे हैं, चाहे 5 बंदे हैं, चाहे 3 बंदे हैं, चाहे 1 बंदा है, सारे के सारे इन्हीं मकानों के अंदर रहते हैं। और ये जानवरों के लिए शेड, हमारे शेड बोलते हैं ना, शेड बनाएंगे गाड़ी के लिए, वो भाई ये जानवरों के लिए रखते हैं ये शेड इस प्रकार से। ये देखो भाई, हमारे पास एक भाई साहब आए हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि इस गांव के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, और अभी ये जो घर है ये लोग क्यों हैं, यहाँ के लोग कहाँ पे हैं। नमस्कार जी। तो भाई साहब, आप इसी गांव से हो? इसी गांव से। तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं यहाँ पर? यहाँ पे 20 घर है। 20 घर हैं। तो अभी तो मैंने देखा है कि घर है वो बंद पड़े हैं, ये क्या तो सर्दी का मौसम है, वो पशु आके झाड़ियों में जाते हैं, वहीं रहते हैं, अब आने वाले ही हैं। अच्छा, आगे रहते हैं। हाँ। जैसे मौसम चेंज होता है वैसे आगे पीछे होते रहते हैं। अच्छा, 20 घर है इसमें। और ये वैसे किन के घर हैं, बोले तो राजपूत रहते? सेवा के राजपूत। सेऊ राजपूत, सेऊआ गाँव है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सारे के सारे राजपूत ही रहते हैं। अच्छा जी, तो आपका जीवन है वो वैसे तो काफी कठिनाई भरा जीवन है ना। तो एक जो मामला था वो सोलर प्लेट वाला, वो क्या मामला था, आप थोड़ा सा बताओगे? वो सोलर प्लेट यहाँ पे, अब क्या सर्दी का मौसम था। हाँ, भेड़ बकरी सब आगे जब आगे चले गए सब। आप आगे चले गए? अच्छा, यहाँ से पानी लेके आगे आगे चले जाते हैं। रात को यहाँ कोई था नहीं, चोर आए वो उतार के रात को ले गए। तो उसके बारे में आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की? एफआईआर करा देनी। अच्छा, FIR करवा दी आपने, और कोई सोल्यूशन नहीं हुआ? विज्ञापन दे दिया, कलेक्टर को भी बोल दिया, विज्ञापन दे दिया, फिर भी शुरू तो करवा दी। अच्छा, लेकिन पानी थोड़ा आता। अच्छा, स्टार्ट करवा दिया दोबारा, पर पानी थोड़ा आ रहा है अभी। पहले प्लेट थी 40। अच्छा, अब 16 से बची थी 12 प्लेट। अच्छा, अच्छा 14 प्लेट पे चल रहा है अभी, और पानी कम आ रहा है। इस पानी से आपका गुजारा हो जाता है या नहीं होता? अभी नहीं होता, कम होता। कम होता है क्योंकि आपके पास कितनी भेड़ बकरियां हैं आपके पास? हजारों की संख्या में, गाय भी हजार की संख्या में, गाय वाय ये सब। हाँ, ये सामने बैठी है गाय वगैरह। तो आपके पास कितने पशु है? हमारे पास तो हम 6 भाई है। 6 भाई हो आप? हमारे पास 1000 भेड़ बकरी। 1000 भेड़ बकरी आपके पास, और गाय वगैरह? गाय है 100। आपका घर कौन सा है इनमें? हमारा जी ये घर है आपका, थोड़ा घर दिखाओगे हमें? अभी तो क्या है कि आपका परिवार वो पीछे रह रहा है। हाँ। पूरी फैमिली पीछे रह रही है या फैमिली? पूरी आपके बच्चे वगैरह सब कुछ सब वहाँ हो गया। हाँ, 10 दिन में यहीं आएंगे। अच्छा, 10 दिन बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, फिर मकानों को दोबारा थोड़ा सा रिपेयर कर लोगे ना? मकान कच्चे हैं। हाँ, मकान सारे के सारे कच्चे हैं। लाइट की सुविधा है नहीं ना। हाँ, ये चीज मैंने पहले भी बोली थी अपनी ऑडियंस को कि इनका जो जीवन है वो बहुत मुश्किल भरा है, इनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। अगर आज मान लो मैं हूँ यहाँ पर, मेरी अगर तबीयत खराब हो गई तो मेरे को हॉस्पिटल जाते काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, न कोई लाइट है, न कोई नेटवर्क का कोई सुविधा नहीं है। सरकार यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दे रही है, कोई सुविधा नहीं दे रही है ना। स्कूल है वो भी बंद है, बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं। स्कूल भी बंद है? वो स्कूल है, उसमें मास्टर नहीं है, अभी बंद है। अच्छा, वो स्कूल है। हाँ। अरे यार, तो इसके बारे में आपने कलेक्टर को या किसी को बोला नहीं? हम तो बोल दिए, लेकिन अनपढ़ आदमी क्या करे, गांव में कोई रहता है वो तो कार्रवाई करने, सरपंच को बोल दिया। फिर सरपंच भी नहीं कर रहा है? सरपंच भी नहीं, घर आके करवा दूंगा, करवा दूंगा। टीचर नहीं है यहाँ पर? कितने टाइम से बंद है? अच्छा, उसने से लिख के दिया, यहाँ पे कोई चेकिंग तो आ नहीं रही थी। अच्छा, रोड गए साल बनी है। अच्छा, पहले यहाँ रोड नहीं थी। अच्छा अच्छा, उस टीचर ने लिख दिया कि यहाँ पे कोई बच्चे नहीं, बच्चे हम 20 घर के बच्चे हैं, वो यहीं है। हाँ, तो 6 भाई तो आप हो गए, तो अगर एक एक बच्चा माने तो अभी 6 तो बच्चे तो आपके भी हो गए। और भी हमारे ये सब पड़ोसी है, गाँव के आगे भी है, काफी मकान है। कम से कम 100 बच्चे है यहाँ पे। 100 बच्चे हैं। और कठिनाई होगी, अब किसी के पास है और वहाँ रह रहे गांव में, वहाँ स्कूल भेजते हैं। यहाँ है वो तो अनपढ़ रह गए, वो बच्चा वहाँ पे देख लो वो पखाल भर रहा है वो। हाँ, दो बच्चे वो अनपढ़ बिल्कुल रह गए, कहाँ पे जाए, माई तो यहाँ पे है, उनका माल में इसी। सही है भाई, हर माँ बाप की एक ख्वाहिश रहती है कि उसका बच्चा पढ़कर बड़ा आदमी बने, बड़ा कोई नाम कमाए। तो यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, तो वो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? यहाँ तक स्कूल 5वीं तक भी नहीं है। 5वीं तक भी नहीं है?
यार ये गलत है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ना है? स्कूल बनी हुई है, स्कूल बनी हुई है बट यहाँ पे टीचर नहीं है, नहीं शुरू करवाई। तो भाई आया था उसने लिखित में दे दिया, यहाँ पे तो कौन रहे धोरा में। तो उसने लिखित में दे दिया कि यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं, वास्तव में बच्चे है यहाँ पे। हाँ ये तो अभी दिखाई दे रहा है, अभी इतने मकान है तो बच्चे तो होंगे ही, जहाँ पे पूरी फैमिली रहती है वहाँ पे बच्चे तो होंगे ही। हाँ अगर यहाँ पे ये है कि अगर स्कूल चलेगा तो लेडीजे या बच्चे तो यहीं पर रह जाएंगे, आप आगे चले जाओगे तो क्या है, 5-4 किलोमीटर जाते हो आगे पीछे, ज्यादा तो नहीं जाते, ये तो नहीं है 100 किलोमीटर जाते हो। हाँ बच्चे तो यहीं रहेंगे, सिर्फ एक साल वो भेरू सिंह आया था। हाँ हाँ वो बच्चे थोड़ा दिन यहाँ पे 6 महीने रहा। अच्छा और गर्मी आई आंधी चली तो उसको पता था कि यहाँ पे कोई चेकिंग आ नहीं रही है। हाँ हाँ तो लिखित में दे दी कि यहाँ पे कोई बच्चे नहीं, स्कूल बंद कर दीजिए। ये तो गलत बात है यार, अब बिल्कुल बंद होगी। स्कूल बनी हुई है, हमारे खुद के बच्चे अनपढ़ हो गए, क्या करें। हाँ होगी सही है। तो ये दोस्तों इस वीडियो का ना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि ये वीडियो आगे से आगे पहुंचे। और आप अपने गाँव का एड्रेस बता दे दोबारा। हमारा गाँव सेवा सेवा और हम यहाँ रह रहे हैं, ये सेवा का तला, सेवा का तला, सेवा कुआ है, सेवा कुआ है, इसको तला बोलती हैं ये। तो भाई वीडियो का ना जितना हो सकता है उतना आगे पहुंचाओ ताकि इनकी हेल्प हो सके, जो टीचर वगैरह है वो इनको प्रोवाइड करवाए जाएं। और बहुत इनके मुसीबत हो रही, बच्चे बिल्कुल अनपढ़ रह रहे हैं, स्कूल बंद पड़ी है, सही है, कोई हमारे को सुविधा नहीं है, नहीं भी यहाँ पे कोई सोलर की लाइट है, नहीं कोई और। हाँ वो प्लेट लगी थी, वो मैं आया था तो मैंने सुना था कि वो प्लेट चोरी हो गई, वो मैं बोल रहा था पहले कि प्लेट वगैरह इनकी चोरी हो। तो आप 6 भाई इसी मकान में रहते हो? नहीं ये अलग अलग है, 6ों के अलग अलग है। आपका ये है? हमारा ये। अच्छा तो आपके बच्चे बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्ची 2 बच्चा। अच्छा 2 लड़के 2 लड़कियां हैं और 2 आप हो गए मियाँ बीबी, यानी कि 6 लोग हो आप, 6 लोग रहते हो इस मकान में हैं। काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है ना आपको, और कच्चे मकान है ये भी देख लो आप, पूरे के पूरे मकान है, हमारी वोटिंग लिस्ट है, वहाँ पे भी आवास है, नए कोई यहाँ भी आवास है, कुछ नहीं। अच्छा योजना वाला वो भी हमारे को नहीं है कोई। अच्छा ये जो आप है इस गांव में रहते तक भी नहीं है। अच्छा 12,000 में जो बाथरूम दे रहे वो भी नहीं है, जो आवास तो प्रधानमंत्री योजना का रखा कुछ नहीं आया। अच्छा सरकार आपको कोई प्रकार का सहयोग नहीं दे रही है किसी भी प्रकार का? तो ये जो जमीन है ये आपकी है या सरकारी है या क्या सिस्टम है? जहाँ पे वो कुआ था खातेदारी हमारी। अच्छा अब है कम ही। अच्छा गवर्नमेंट की, सारा लगभग एरिया गवर्नमेंट का है। आपने तो वैसे ही यही आबादी इकट्ठी हुई है। अच्छा कुएं को ध्यान में रखकर आपने ये यहाँ पे आबादी बसा ली अपना, ठीक है। कुआ हमारा ये 100 साल पुराना कुआ। अच्छा से हुआ पूरे गांव का कुआ। अच्छा पूरे गांव का। बाकी तो गांव में पहले के टाइम में पानी यहीं से लेकर जाते थे, पानी और था ही नहीं, पानी नहीं था ना, ये कुआ उनसे जोतते। 2 साल ही हुए अभी इसको, ट्यूबवेल को भी 2 साल। अच्छा ट्यूबवेल ये जो सोलर वाला 2 साल पहले लगा है और 1 साल रोड को हुआ है। 1 साल रोड को हुआ है। तो अभी आ गए हैं भाई ये जो स्थानीय लोग रहते हैं यहाँ पर, इनके पास में ये देखो ये भाई बैठे हैं, ये माइत हैं और ये हमारी उम्र का भाई है और जिनको तो आप जानते ही होंगे, तुम्हारे साथ ही है 2-3 दिन से। तो अभी चाय आ गई है भाई, चाय पी लेंगे और फिर इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी क्या क्या समस्या आती है इनको यहाँ पर। तो एक बार चाय पी लें उसके बाद में इनसे बात करेंगे हम। तो भाई अभी क्या है कि चाय पी ली और अभी करते हैं यहाँ से जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे बात करते हैं। ये देखो ये काफी लोग बैठे हैं। राम राम साहू जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? गणपत सिंह। आपका जी? आपका आपका जी? अच्छा आप रघुनाथ सिंह। तो एक बात बताइए जी, आप यहाँ पर रहते हो तो आपको परेशानी कितनी आती है, आती है या नहीं आती? आती है। क्या क्या परेशानी है? अच्छा हमारे स्कूल नहीं, मास्टर भी जो बंद है स्कूल बंद भाई, मास्टर है हमारे। अच्छा प्लेट हम अंदर बिल्कुल पानी आओ तो ने प्लेट चोरी हो गए, कोई माजी मां पे कोई गवर्नमेंट रूप कर्मचारी रहतो इसको ने गवर्नमेंट दिन नहीं बता दो तो गवर्नमेंट आदमी करो तो मेहर के दे होए। हां आदमी हमें थोड़ा दे है पशु चालक का आज कहां कल कहां। हां सही है, सुनी पड़ी है ये तो, ट्यूबवेल तो सुना है। अच्छा ये लगवाया सरकार ने था पर देखभाल नहीं कर रहा है कोई, स्कूल की भी देखभाल नहीं है। तो स्कूल के अंदर मास्टर मतलब अभी को नहीं, मास्टर एक आया था उसने लिखित में दे दिया कि यहां पे कोई बच्चे नहीं।
यहाँ पर बच्चे 30 है। 30 बच्चे मास्टर ने अपने आप लिख दिया भी यहाँ पर कोई नहीं। हाँ कोई नहीं, हम तो समझते नहीं, मैं समझते नहीं, मास्टर मेरे घर का ही था। अच्छा, अभी ये हमारे ढाणी पड़ी है, इसमें 20 मकान है या नहीं है आपने देखा? वैसे वो मास्टर था कहाँ का? रागुआ का, यहीं का था। यार समझ से बाहर है यहाँ का होकर फिर भी ये पुलिस वालों को क्या 10,000 रुपए दे दीजिए। तो भाई काफी संघर्ष भरा जीवन है आपका, और यहाँ पर आपके खेती वगैरह तो होती नहीं होगी ना? सारा का सारा जो है वो पशुपालन है। तो आपके पास ये जो 20 घर है, गांव है, इसके अंदर आपके पास कितनी भेड़ बकरियां गाय है? लगभग सारी के जो इकट्ठा करें तो लगभग 10,000 भेड़ बकरी है, 500 गाय। तो जब ये मोटरें वगैरह नहीं थी तो आप पानी कैसे निकालते थे? कुएं से, ऊंटों से, वो ही सिस्टम था क्या? ले भाई आपको मैं एक बार यहाँ का सारा एरिया है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये यहाँ का एरिया देखो भाई, ये ताऊ जी है, ये बोले चलो आपको ऊंट सफारी करवाते हैं। तो अभी राजू जी बैठ रहे हैं, देखो दोस्तों भाई ये क्या ले जा रहे हो आप, कहाँ पर लेकर जाओगे? 8 किलोमीटर आगे पानी लेकर जा रहे हो? पीने का पानी है क्या ये आपके? अच्छा, कितना पानी चला जाता है एक साथ में? 200 लीटर पानी ये अकेला ऊंट लेकर जाएगा है? यार काफी मुश्किल है ना। ये देखो भाई इस प्रकार से, ये किसके बने हुए हैं वैसे? प्लास्टिक का है या क्या है ये बैग? प्लास्टिक का नहीं है, दूसरा है कपड़े का है। जो वीडियो के अंदर वो जो स्थानीय लोग है वो जो जिक्र कर रहे थे ना स्कूल का, वो यही स्कूल है। और स्कूल दिखाता हूँ भाई क्या हालात है स्कूल की। दो लगभग 4 साल से बोल रही हैं कि ये स्कूल बंद है, और देख लीजिए भाई ये पूरा स्कूल है, ये बंद पड़ा है। इतने रूम बने हुए हैं, बिल्डिंग के पैसे लग गए, बट यहाँ पे कोई टीचर नहीं आ रहा है। ये देख लो भाई, ये है स्कूल, ये 5वीं तक का स्कूल बता रहे थे यहाँ पर। तो दोस्तों इस गांव के अंदर ये एक मंदिर है, एक मंदिर ये है, और एक मंदिर उस साइड भी है। दो मंदिर है यहाँ पर, एक तनोट माता का मंदिर है, यही है शायद तनोट माता का मंदिर, और आगे है, और आगे है यहाँ पर कुआं बना हुआ है एक, और यहाँ पे बना हुआ है कुआं जिससे कि पहले ऊंटों द्वारा जो पानी निकाला जाता था वो ये है भाई। और अभी ये कुआं है वो बंद है फिलहाल, देखिए। राजू जी ये कितना गहरा होगा कुआं? 250 ऊंटों से निकालते थे ना पानी, अभी तो बंद है ये क्योंकि वो मोटर का वो थोड़ा बहुत सिस्टम आ गया था ना इनके पास, तो ये सेम पहले उसी प्रकार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को भाई शेयर जरूर करना, जो इनकी समस्या है वो अगर कहीं पर पहुंच जाए तो इनकी समस्या का कुछ हल हो जाए, तो भाई इसके लिए एक एक शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।